हमारा सफर आखिर स्टार्ट हो ही गया है इंशाल्लाह। तो आज हम इस्लामाबाद के लिए जा रहे हैं और ये मेरे साथ जो ज्वाइन किए हैं अकूबा मेरे साथ जा रहे हैं। जो है ना जहाज का टिकट काटा है इंशाल्लाह इसको हम जहाज में नहीं जाने देंगे। इंशाल्लाह आपको इस्लामाबाद पहुंच के बताएंगे कैसे जाता है। नहीं नहीं यार अगर ऐसा तो ना करे यार। बस हम डूबने ही वाले हैं आप देख सकते हैं। तो बस मैदान कागान पे हम आ गए और डूबने वाले हो देखे। तो इसी के साथ हम अपने बस के पास पहुंच चुके हैं जिसमें हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। और हवाएं चल रही हैं, घटाएं चल रही हैं, मुझे लग रहा है कि कराची भी चाह रहा है कि हम ना जाएं। और लेकिन जानना तो ज़रूरी है, इंशाल्लाह नई जगह पे मिलेंगे आपको। तो बस दुआओं में याद रखना, सफ़र हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से हम जाएंगे सुहरावर्ड, सुहरावर्ड थोड़े पैसेंजर्स को लेंगे ये बस वाले, उसके बाद वहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं सफ़र में। तो हम बैठ चुके हैं बस में और हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है। सुहरावर्ड की तरफ हम जा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है हमारे अखुन साहब। अखुन साहब तो कैसे हैं आप? नाउ जर्नी बिगिंस कराची से कर लेंगे इंशाल्लाह, कराची का आखिरी दीदार आप कर लें। और हमारे दूसरे हमसफर अक्कू बोलते हैं प्यार से हम इसको, इनका नाम है मुबशिर। मुबशिर साहब क्या हाल है सर? आप आज हमारे साथ पहली बार सफर कर रहे हैं सर, अपने सूरत बताएं सर। पहली और आखिरी बार नहीं। तो काफ़ी लंबे सफ़र के बाद हम कुछ खाने के लिए उतरे हैं क्योंकि रास्ता ऐसा ख़राब था, इतना ख़राब था कि बहुत मुश्किलों के बाद हम ऐसे होटल में पहुँचे जहाँ कुछ खाने को मिल जाए। क्योंकि हम सुबह से निकले हुए सफ़र में, ना दोपहर का खाना खाया और शिकारपुर पहुँचे हैं और रात का खाना भी हम रात के 2 बजे खा रहे हैं। तो बस देखो खाना आता है तो खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो सुबह हो गई है और हम एक जगह उतरे हैं जहाँ हमें नाश्ते का कहा गया है। मुल्तान है सर ये? मुल्तान ये मुझे तो इतना रास्तों के बारे में पता नहीं है। हमारे साथ आखुन साहब मौजूद हैं। ये मुल्तान है जी, बिल्कुल ये मुल्तान कहा जा रहा है। ज़मीन औलिया। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ये हमारे मुल्तान की बंदे हैं, ये हमारे भाई को वॉशरूम नहीं मिल रहा, ये वॉशरूम ढूंढने के चक्कर में बड़े इनको तेज लगी हुई है। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह से हम मुल्तान पहुंच चुके हैं और फ्रेश भी हो चुके हैं क्योंकि तो अभी हालत ख़राब थे हमारे, क्योंकि हम बस में काफ़ी लंबा सफ़र करके आए और बाल वाल सब फोड़े हुए थे। तो हमने सोचा फ्रेश हो जाएं, तो मैं फ़्रेश होके आया हूं और मेरा दोस्त मेरा कैमरामैन भी फ्रेश हो गया है। तो बस अभी हम जा रहे हैं नाश्ते के टेबल पर और मिलते हैं आपसे नाश्ते पर, तब तक आप थोड़ा व्यू देखें। ये इनके जो छोटे भाई के नाम भी अकील हैं और छोटे भाई की तरह ही हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ रूम में जो हमारे साथ अपन साहब भी मौजूद है। और कैमरा मैन अपनी शक्ल भी दिखा दें। नहीं बस ठीक है, इनको बिल्कुल नहीं देखिएगा, इनको देखिएगा तो हमारे भी लोग उनकी ना देखें। गजब बेइज्जती है। मुल्तान में हमने बेसिकली नाश्ता किया जैसा कि आपने देखा हमारा नाश्ता, जिसको रेयर लोग ब्रेकफास्ट बोलते हैं और हम देसी लोग नाश्ता कहते हैं। तो नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया है और वापस हम अपने
आरामगाह में आगे बैठ चुके हैं और सफ़र फिर से जारी है और बस जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। अब आई होप के कहीं रुके ना गाड़ी, बाकी पानी वानी तो मिल जाता है तेरी गाड़ी के अंदर। मैं आपको थोड़ा सा रास्ता दिखा लेता हूँ ताकि आप भी खुश हो जाएं माशाल्लाह ग्रीनरी चेक देख कर। ग्रीनरी मैस कर दो, मैं वैसे भी दिखाने वाला हूँ आपको। All the wrongs and every reason why we've changed, and there's a storm inside my head. It's getting me in trouble, baby, and I can't break away. I thought that I could keep it low, take it easy, take it slow. अस्सलाम वालेकुम। तो इस तरह हम लोग अभी बस से उतरे हैं और ये देखा हमारे भाई खुश पिंडी की खुश मिजाज। और तो ये बात है कि हम लोग पहुंच गए हैं जी, इस टाइम बैठे हैं किधर हम सर? ये ना मेन पीर बधाई पे है और तो अपनी कार का वेट कर रहे हैं, नेशनल कार मेहरान हम ही वो ले जाएगी सिक्स रोड। तो हम लोग चलो सिक्स रोड जाके मिलते हैं आपसे। रात हो गई, मोबाइल मार्केट आए, नूर मोबाइल मार्केट के नाम से मशहूर है अब सिक्स रोड पर। और आज हमारे एक ख़ास दोस्त कराची के पुराने दोस्त जो हमें मिले हैं मोबाइल मार्केट के अंदर, तो मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। उससे पहले मैं आपको खाना दिखाता हूँ जो खाना है इनकी तरफ से माशाल्लाह से हमारे लिए। ये देखें, दिस व्हाट इज दिस? हेलो यार, चिकन चाइनीज भी शाश्लित जी? ओके, खाना खा लिया जी। और अखुन साहब फुल खाना खाने के बाद सही सब लोंडे बने हुए। और ये हमारा अक्कू भाई अभी खाना खा के अब इनके चेहरे पे स्माइल आई है, वरना इनका मुंह लटका हुआ था कब से। इनके हाथों में स्पेगेटी है, खाना खाने के बाद फ्रेश फ्रेश फील कर रहे हैं। अब अक्कू भाई जहाँ भी ले जाए हम जाने को तैयार है। अब आप अलीपुर ले जाओ, हैदराबाद ले जाओ, वापस कराची भी ले जाओ, हम जाने को तैयार है। क्यों अक्कू भाई? तो हमेशा की तरह एंड में आपका भाई थका हारा कैमरे के सामने आ जाता है, क्योंकि पूरा दिन दो दिन से ही मैं तकरीबन सफ़र में हूँ। और सफ़र करते करते अपनी हालत टाइट है बॉस। तो बस वीडियो को यही एंड करते हैं, पिंडी के सफ़र को यही एंड करते हैं, कराची से पिंडी। बर्गर नहीं है, हम पिंडी बोलते हैं, इस्लामाबाद नहीं बोलते हैं। तो फिर अपने सफ़र को ये ख़त्म करते हैं। तो अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। पिंडी तू कर दू। तो खैर खुश रहिए, आबाद रहिए, व्लॉग देखिए। और शुक्रिया जिसने अभी तक व्लॉग देखा लास्ट तक मेरा वीडियो व्लॉग। तो नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा, मिलते हैं। निगहबान, लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज़। थैंक यू।